पूरा ही खाना है। मुबारक हो बेटा, पहनो आराम से। चलो कोई नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मेरे बच्चों को, खुश रहो। खुश है? कोई नहीं, बस आप लोग गले मिलने समझा समझा, बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए। नहीं, सब ठीक है ना? सब सही है, बस अब उनका इंतजार हो रहा है कि आ जाएं, करें। सही बात है, खुशी का ठिकाना, खुशी का। आप तो 5 बजे से ही जगी हो है? और क्या। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, राधिका की मम्मी भी आप फाइनली मान गई हैं, और जो भी था उनको मैंने टाइम भी दिया था। वो रिसर्च करने के बाद आज सुबह में राधिका का फ़ोन आया था मेरे पास कि मेरे मम्मी पापा आना चाहते हैं, कुछ जो रस्म होता है रोका होता है वो करने के लिए वो लोग आने वाले हैं। तो हम लोग भी इधर पूरी तैयारी कर चुके हैं, जैसे ही आएंगे तो जो भी रस्म होगा वो आप लोग देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि भाई आप कब शादी कर रहे हो, सब कुछ मुझे देखना है। तो इसीलिए मैं लाइव आया हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं फैमिली मानता हूँ। देखो, जो भी हुआ लाइफ में, मैं किसी को आप दोष देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं पुराने रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश किया, हमेशा मैं झुका। लेकिन मतलब मेरे ऊपर हमला करवाया गया, मुझे पिटवाया गया, मतलब लड़की का भाई, गुनगुन का भाई मुझे पिटवा रहा, मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ को मैं सह करके रहा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप लड़के को इतना ज़्यादा परेशान करो कि माँ बाप को छोड़ दो, ये वो। तो इस वजह से मैं अब लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ, और मैं गुनगुन से मुझे कोई दुश्मनी भी नहीं, मैं चाहता हूँ वो भी खुश रहे, वो भी शादी करे। तो आज मेरा जो है इंगेजमेंट होने वाला है, वो लोग आने वाले हैं। क्या मम्मी, सब कुछ रेडी है? बिल्कुल। ठीक है गाइस, तो जो भी होगा वो आपको हम लोग दिखाएंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। छोटू, विशाल, हाँ भाई जी, बोल रहा हूँ। सारा नाश्ता वास्ता का अरेंजमेंट हो गया? सब कुछ? हाँ, हो गया सारा, सब कुछ रेडी है ना? अच्छा ठीक है, तो मेहमान भी आने ही वाले होंगे। छोटू कहाँ रह गया? वो अंदर है। एक अच्छा, कॉल करके पूछ ले कहाँ रह गए, इतने टाइम लगा। नहीं, वो लोग तो आ ही रहे हैं, वहाँ से निकल चुके। मैं बोल रहा था कि सब कुछ तैयार है ना, नाश्ता वास्ता सब कुछ? सारा कुछ कर दिया। हाँ, तो वो लोग आने वाले हैं, बाकी जैसा भी होगा वो लोग आएंगे, तो सारा अरेंजमेंट देख लियो। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ना। पानी वानी का थोड़ा देख ले इंतजाम। आइए, चल चल आज। नमस्ते। नमस्कार जी। अरे कोई नहीं, बहुत अच्छे, सब ठीक ठाक। हाँ, नमस्ते पापा, खुश रहो। नमस्कार जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, आराम से। तो आपने सोच लिया सब कुछ? आपको 2 दिन में समझ में आया? क्योंकि अच्छा, क्योंकि हम लोग कहीं से गलत नहीं थे, इसलिए मैंने बोला था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक ना एक दिन आपको समझ में आएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं बेटा, आप पकड़ लो ना इसको। पानी ला विशाल, पानी पिलाओ पहले। कोई नहीं, पहले पानी पी लो। अच्छा, कजन ब्रदर। हाँ जी, लो जी पानी लो। आप लोग लो, राधिका पानी लो, भाई पानी ले लो। चलो मिल लो। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। नहीं नहीं, आप 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 रुक जाइए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी कर लेगा। आ जाइए आराम से, या अंदर चले। नहीं कोई नहीं, नहीं ठीक है, चलिए ठीक। करो शुरू, मुझे पकड़ा दीजिए। कोई नहीं, ठीक कर दीजिए ना पहले। ये भी निकाल ही लेती हूँ। हाँ ठीक है, करूँगी तो खोलूँगी भी तो। बेटा ये बांधो पहले। कोई नहीं, बांधो। हेल्प करा दो। अरे नहीं, कोई नहीं, बांध लूंगा। हो गया, मैं ही करती हूँ। हाँ जी। अरे अपने पूरा ही खाना है। काले काले शादी का लड्डू खाओ। नहीं बस हो गई, जाएगा मुंह मीठा करो। ला मैं कराऊं पहले? आप कराओ। हाँ मैं लो जी, ले रहा आप भी तो लो। अरे दीदी को पता नहीं, मन लगेगा ना यहाँ पे है? बिल्कुल लगेगा, बाबा बस बहन जी का मुंह मीठा नहीं हो रहा। हाँ हो गया, वैसे अभी आपको खाने की जरूरत पड़ेगी।
आप भी लो, आप भी मुंह मीठा करो। आपने करा दिया? हाँ जी। लो बेटा, राधिका का तो करा दिया। अरे लीजिए ना आप भी। विशाल तू भी ले। पिछला ये थोड़ा सा। इसका भी कराते हैं इनका। बस बस। मम्मी और राधिका को लीजिए बेटा। मैं भी टीका कर दूँ। पहले रुक जाइए थोड़ा, मम्मी कर ले। आ जाओ राधिका, इधर आ जाओ। राधिका चलो। बहुत बड़ा मुंह करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। ये खाना भी पड़ेगा। खा लो खा लो, चलो। बेटा ये मेरी तरफ से। ठीक चलिए, बता देगा तुम। ये अब रिंग से ये मेरी तरफ से राधिका के लिए। ये हमारी तरफ। लीजिए मम्मी। कोई लो बेटा, ये हमारी तरफ से। हाँ। समर के लिए रख दो। लड्डू रख दो, कोई नहीं। राधिका को पीछे हो जाओ थोड़ा। मुबारक हो जी। लीजिए बेटा, लेट जी बेटा, पहनो आराम से। चलो कोई नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मेरे बच्चों को। खुश रहो, खुश है? कोई नहीं, बस आप लोग गले मिलने समझना। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद ही आशीर्वाद है आपके साथ बेटा। कमाल होगी, कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे बेटे बन गए। ये भी कोई कहने की जरूरत है? ये आपकी अमानत, आप जिनसे प्यार किए, हमारी अमानत। शादी हुआ आपका ही है बेटा। बस बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अच्छे संस्कार है, आगे चले जोड़ी दोनों की, खुश हो सारी जिंदगी। हम यही चाह रहा था कि अब जब ये सब कुछ हो ही चुका है तो, क्योंकि बार बार फिर मतलब दूसरी फैमिली है उनको पता चलेगा, फिर वो ये इतना करेंगे। जब इतना कुछ हो चुका है ना तो जितना जल्दी हो सके हम लोग ने शादी करना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि कल मैं सुबह मंदिर जाके एक तो डेट निकलवा लेता हूँ। हाँ। यदि आपने निकलवानी है तो आप, मैं भी निकलवाऊंगी। पंडित जी से अपनी डेट मिलवा लो, हम अपने पंडित जो दोनों को ठीक लगेगा उसके मुताबिक कर लेंगे। जो बेटा ठीक रहेगा। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत, जैसा आप लोग को ठीक लगे। और ना एक काम और करते कि मैं इन दोनों बच्चों को कैश दे देता हूँ। नहीं क्या बात कर रहे हो, उसके जरूरत मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे एक रूप आप नहीं, इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, आप लड़की दे रहे हो, सब कुछ इन्हीं दोनों का है जी। कपड़े का क्या है जी, कपड़ा तो वैसे भी पहनते हैं, कपड़ा मैं खुद ले लूंगा और राधिका को भी दिलवा दूंगा। हमारी कोई मान नहीं है, हमारी कोई बात नहीं रखनी। एक बार मेरा भी बात मानिए, पापा जब बोल रहे हैं तो एक बार मानिए तो सही। पापा का पसंद पैसा दे देंगे, आप खरीद लिए अपना, इनका भी शौक है भाई। मेरी इकलौती बेटी है यार, मैं जी पूरे नहीं करूंगा तो कब करूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल, चलो आपकी जैसे ठीक है बेटा। हमारा हुआ बिल्कुल, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए करूंगी। यही होना चाहिए कि हमेशा ऐसी दोनों फैमिली में प्यार मोहब्बत बना रहे, यही दुआ है। क्योंकि इसी चीज से मैं परेशान रहा हमेशा। मैंने पहले जब लव मैरिज किया था मैंने सोचा था कि चलो शादी हो जाएगा तो उसकी फैमिली नॉर्मल हो जाएंगी, अपना लेंगे, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं मुझे आज तक मिला ही नहीं। समर बेटा देख, गलती हो जाती है। आज तक मैं उस घर में गया, मैं आपको क्या बताऊं, उस घर में गया एक गिलास पानी के लिए मुझे नहीं पूछा गया कभी भी। कोई नहीं बेटा, कोई बात ऐसे नहीं बोलते, नहीं होती कोई बात। हम तेरे माँ बाप एक और आए तेरे पास, कमाल होगी। अब तो तेरे पास दो बाप दो माँ, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं दुनिया ये सोचती है कि भाई बंदा ना अपने मतलब दो दो शादी कर रहा है खुशी के लिए, ये वैसे मतलब मैं दिल से बता रहा हूँ कि मुझे कितना दुख हो रहा है, क्योंकि मैं सच में ही उससे प्यार किया था। मुझे ये मतलब पता नहीं था कि मेरे साथ ना। चलो अच्छा माहौल में ऐसा अब इसे अपना बिल्कुल उसकी तो वो नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, उसके बारे में खुशी को एंजॉय करो। नहीं उसकी तो बात अब घर में चलिए, जिंदगी शुरुआत करो, अच्छे अच्छे खेलते रहो, कूदते रहो, खूब एंजॉय करो लाइफ में, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, बहुत अच्छे काम करो, बहुत ही अच्छा। माँ बाप को दोनों को सुखी रखो, तू भी बेटा और तू भी बेटा। अच्छे दिन, जो बुरा दिन गया ना बस वो याद नहीं कर रहे हैं, बस अब अच्छा सोचो और अच्छे के लिए करो, बस टेंशन नहीं लेते। ठीक है, अच्छे दिन की लाइफ है, अप एंड डाउन चलती है बेटा, कोई नहीं, खुश रहो। ठीक हो गया बहन जी, सारा काम बढ़िया हो गया ना, उदास होने की जरूरत नहीं है समर। कोई नहीं, बस आप लोगों को
समझ में आ गया। मैं यही चाहता था कि जैसे लोग ये कहे मुझे गलत साबित करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग सबकी राजी हाँ, में कितना अच्छा लगता हाँ, अच्छा सब तो लगता दो ही परिवार है। मिलते हैं बैठते हैं बिल्कुल सही हैं, कितना अच्छा हर चीज अच्छी होती है। लोगों का क्या है बेटा, लोग तो बातें करके चले जाते हैं, लोगों का क्या है बेटा, देखना तो हमें है ना, देखना तो देखो बेटा आपको है, आपके मम्मा को देखना, आपके पापा को देखना है, इसने भी हमने हमें दोनों को देखना, कौन है हमारा, आप दोनों हैं अब तो हमारे, तो इसलिए कोई भी टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है। अच्छा अच्छा काम किया और अच्छा रखो, अपना मन नहीं छोटा कर बिल्कुल भी, जो हो गया समय निकल गया। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। क्यों मैं जी? बिल्कुल ठीक है, अपने पंडित से मिलवाओगे डेडी? हाँ, मैं मिलवाऊंगी। नहीं ऐसा भी मिलवा लो, देखो जी भरोसा है आप लोगों को, जहाँ सही लगे जिस पंडित से कुंडली मिलवाना है। एक काम करो आप, पापा से बात कर लो, पापा को बुलवाओ यहाँ पे, उसके मुताबिक निकाल गांव को, बोलो कि वो जो गांव में काम है वो बाद में भी हो जाएगा, पहले यहाँ पे आ जाए। मैं पूछ हाँ, उनको बुला लो जल्दी, मैं बात कर रहा हूं, मंदिर में होगा या घर में, वो भी सब जैसे ही कहेंगे, जैसे जैसा जैसा सूटेबल होगा, जैसा आप लोगों का, आप लोगों को जैसे ठीक लगे आप जहाँ बोलोगे। हाँ हाँ डैडी आ जाए, पहले पापा एक बार आ जाए ना, उसके बाद डैडी आ जाए, फिर उसके बाद देख लेते हैं जैसे कहेंगे। ठीक 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 है ना, बेटा भी ठीक बोल रहा है कि कहाँ करना है, मंदिर में करना है कि बैंक्वेट हॉल भी बुक कराना पड़ेगा ना, बैठ के कोई नहीं कर लेंगे, हमें भी तो तैयारियां करनी है ना, टाइम चाहिए तो वही। पर आप लोग ना कोई भी मतलब सामान या दहेज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक नहीं, आप बेटी दे रहे हो, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद चाहिए आपका, सही बात, हमारा साथ में रहेगा, कैसी बात कर रहा है भाई, बेटी आप दे रहे हो यही बहुत बड़ी बात, मतलब इसको इस काबिल बनाया आपने, इतना पाल पोस करके बड़ा किया, अच्छे संस्कार बहन जी ने आपको दे रखे हैं। देखिए मेरा स्पेशल मेरा एक मैसेज है आप लोगों से, मतलब आप जिद मत करना, मैं अपने शादी से एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कि दहेज आजकल हमारे समाज में क्या हो गया कि मतलब हर शादी में मतलब लड़की वाले बहुत घबराते हैं कि भाई ये देना वो देना ये है वो है, तो मतलब शादी को ना बहुत टफ बना दिया गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसका पहल करूँगा, मुझे एक कुछ भी नहीं चाहिए। देखो आपकी पहल तो अच्छी है बहुत, हाँ बहुत अच्छा, दहेज आप कुछ मत दो, जो आपको अगर हाँ, एक कपड़ा आप दो जो पहन के आ जाएंगे आपके घर, लड़की को ले जाएंगे, किसी गरीब जो गरीब बच्चे है गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी उसमें कोई नहीं, वो भी अपने ही बच्चे होते हैं ना, उनमें सपोर्ट करवाओ, आपको जो भी ये खर्च पैसा है ना ये आप अपने बेटी के अकाउंट में डाल दो, जब जरूरत होगा वो अपना करेगी, हमें नहीं चाहिए कि कैश इस बच्चे के अकाउंट में डाल देते हैं, इन फ्यूचर इसको जब भी जरूरत होगा तो अपना ये यूज करेंगे, नहीं, 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 नाम से डाल दो आप, दहेज वह से कोई ये नहीं है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, बाकी आप भी तैयारी करो, और हम लोग तैयारी जाओ शॉपिंग के लिए, मैं बेटी के हाथ में कैश भिजवा दूंगा बेटा, और दोनों जाके अपना कोई नहीं, तो मैं अपनी तरफ से भी जो इसको दिलाना होगा लेना, वो मैं दिलवा दूंगा, आपकी जो मर्जी दिलाइए, ठीक है, चलो चलिए, ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए, अच्छा मैं जी, चल बिटिया ये यहीं छोड़ के जाएं, अभी तो जाएगी, ठीक है, चलिए, चलिए, अच्छा लगा, ठीक है, चलो, ठीक है भाई, मिलते हैं, अच्छा, चलिए, अच्छा समझ, राधिका तुम ये अपना भूल गई, ये लेके जाओ, लड्डू का डिब्बा तुम ही लेके जाओगे, हमें दे जाओगे, नहीं नहीं आप रखो, आप रखो, कोई नहीं, चलिए ठीक, ठीक है, अच्छा भाई, चलिए मिलते हैं, प्रणाम, आजा उसान। तो गाइस फाइनली राधिका की मम्मी भी मान गए, पापा भी, और ये जो रस्म था ये भी पूरा हो गया है, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, और इसी तरीके से आप सपोर्ट दो, और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा है, जो भी आप लोग शेयर करो, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, मैं क्या बात करूँ, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, धन्यवाद।